हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रुचि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टडी चैनल एनालिटिकल रेजुलेशंस में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में। यह इंडेक्स होता क्या है, क्यों बनाया गया, कौन बनाया और इसका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हमारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इससे पहले आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के मिल्टन फ्राइडमैन, प्रतिष्ठित सेवा प्रोफेसर और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर माइकल ग्रीनस्टोन ने इस शोध के हिंदी संस्करण में विवेचन के दौरान ये कहा था कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के हिंदी संस्करण की शुरुआत के साथ करोड़ों लोग यह जानने और समझने में समर्थ हो पाएंगे कि कैसे पार्टिकुलेट पॉल्यूशन उनके जीवन को प्रभावित करता है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक अगर भारत में वायु प्रदूषण कम रहता है और वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के अनुसार रहती है तो लोग औसतन 4 साल ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। जानलेवा साबित हो रहा है वायु पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण हमारे लिए किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक हर हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 राष्ट्रीय या WHO मानकों को पूरा करता है तो देश की जनता की उम्र में काफ़ी इजाफा हो सकता है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर आकार में 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है। यह मानव बाल के मुकाबले 30 गुना अधिक महीन होता है और सांस लेने से ये फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। जीवन काल पर वास्तविक प्रभाव का आकलन करने वाला AQLI भारत की राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से एक कदम आगे है। वायु में PM 2.5 को निर्धारित स्तरों के लिए WHO मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, लेकिन PM 2.5 के लिए भारत की राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। यह WHO के मानक से 3 गुना अधिक है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कैसे तैयार किया गया। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित शोधों के डेटा पर आधारित है। इसके मुताबिक आकार PM 10 माइक्रोन की हवाई सामग्री 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि से 0.64 साल जिंदगी कम हो जाती है। शिकागो यूनिवर्सिटीज़ में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल ग्रीनस्टोन ने बताया है कि WHO इस तरह से एक कम मानक को ठीक से आवंटित करता है क्योंकि छोटे कण के प्रदूषण से बहुत कम स्तर पर भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि दिल्ली वालों की जीवन प्रत्याशा 9.5 ईयर्स कम हो रही है। आइए देखते हैं कैसे। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 1/4 आबादी ऐसे प्रदूषण में जी रही है जैसा कि दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है। इसमें ज़्यादातर उत्तर भारतीय आबादी है। WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण दिल्ली वालों की जीवन प्रत्याशा 9.4 वर्ष तथा भारतीय मानक के अनुसार 6.5 वर्ष कम हो रही है। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर उनको 70 साल जीना था तो ये अब 64 साल या 65 साल ही जिंदा रह सकते हैं भारतीय मानक के अनुसार, और अगर WHO की माना जाए तो ये 61 साल ही जिंदा रहेंगे। तो आगे देखते हैं, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में यह लोगों की आयु 8 साल घटने की आशंका है, वहीं लखनऊ में यह सबसे ज़्यादा 10.3 साल आंकी गई है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली आफ्टर बांग्लादेश। मतलब कि इंडिया जो है बांग्लादेश के बाद सेकेंड टॉप मोस्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। यह रिपोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी 29/7/2020 को, मतलब 29 जुलाई 2020 को। इसमें बताया गया है कि नेपाल, सिंगापुर एंड पाकिस्तान आर द अदर टॉप कंट्रीज विद डर्टी एयर।
नेपाल, सिंगापुर, पाकिस्तान अदर टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं जिनका एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। पूरे वर्ल्ड में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लॉस हुई है वो 1 साल 10 महीने 24 दिन की है। मतलब लोग अपना पूरे वर्ल्ड में जो एवरेज जीवन प्रत्याशा अपनी जो खो रहे हैं वो है 1 साल 10 महीने और 24 दिन की, और हमारे देश में 5 साल 10 साल 6 साल। सोचिए कितना डिफरेंस है। फ्रेंड्स, नीचे जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा को किस तरह से गंवा रहा है। अगर आप कोई टेररिज्म या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप 23 दिन अपने जीवन के गंवा सकते हैं। अगर मलेरिया हो गया या और कोई रोग हो गया तो 3 महीने, HIV एड्स हो गया तो 4 महीने, रोड इंजरीज हो गई तो 5 महीने कम हो सकते हैं आपकी जीवन प्रत्याशा। अगर अनसेफ वाटर या साफ जगह नहीं रह रहे हैं तो 6 महीने कम हो सकती है। अल्कोहल या कोई ड्रग ले रहे हैं तो 11 महीने आपकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 1.8 ईयर्स हमारे लाइफ से कम हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अगर हम पर्टिकुलेट पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर ये पोल्यूशन जा रहा है, तो हमारी जीवन प्रत्याशा 1.9 ईयर्स कम हो जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमारी भारत सरकार इस चीज़ के लिए क्या कर रही है। हमारी भारत सरकार ने हवा को शुद्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्र सरकार ने शहरों की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत 2024 तक प्रदूषण में 20-30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि कार्यक्रम प्रदूषण में 25% कमी लाने में सफल रहा तो राष्ट्रीय औसत आयु में 1.6 साल तथा दिल्ली वालों की औसत आयु में 3.1 साल की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण में कमी लाकर यदि उसे WHO के मानकों के अनुरूप किया जाए तो बिहार, पश्चिम बंगाल में लोगों का जीवन 7 साल और हरियाणा में 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।